आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम प्राइम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। चुनावी माहौल है और चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रही हैं और जो घोषित प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं। और इसी बीच पीस पार्टी के प्रत्याशी अमित मिश्रा भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हमारे कई सवालों का जवाब भी देंगे और जनता तक अपने संदेश भी पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि आगामी इटावा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे पीस पार्टी के प्रत्याशी अमित मिश्रा और इनकी खुद पुणे में एक कंपनी भी है। बता दें कि ये पेशे से इंजीनियर हैं, यानी इंजीनियर की डिग्री इन्होंने हासिल की है, लेकिन अपने क्षेत्र की इटावा की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, पिछड़ापन देखकर उन्होंने राजनीति में आने का मन बनाया और उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास करने का जो मन बनाया है उसकी वजह से वो राजनीति में आए हैं। आगामी इटावा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी अमित मिश्रा। पीस पार्टी से इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। इनकी खुद पुणे में एक कंपनी है। अमित मिश्रा ने समाज के पिछड़ेपन को देखते हुए राजनीति में आने का विचार बनाया है और अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार अमित मिश्रा जनसंपर्क के जरिए युवाओं में नई सोच, नई उम्मीद भरने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। खुद भी एक युवा हैं। आपको बता दें कि 2012 में इंजीनियर की डिग्री हासिल की और बड़े शहर ना जाकर अपने ही क्षेत्र में रहकर अपने ही क्षेत्र के विकास का मन बनाया है, इसीलिए राजनीति में आए हैं। युवा हैं, युवा सोच रखते हैं, युवाओं के लिए काम करने का जज्बा, जुनून देखने को मिल रहा है। तो युवा होने के साथ साथ कई जिम्मेदारी भी समझते हैं देश की, देश के युवा को समझते हैं और जिन परिस्थितियों का सामना युवा कर रहा है, देश कर रहा है, भली भांति उसको समझते हैं। नई सोच, नई विचारधारा के हैं पीस पार्टी से प्रत्याशी, इसीलिए बनाए गए हैं। 2012 में ही इंजीनियर की डिग्री हासिल कर चुके हैं और उनका सपना था कि कुछ अपनों के लिए विशेष करने के लिए, लेकिन इतने क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखकर उन्होंने राजनीति में आना ही उचित समझा और तब से लेकर आज तक उनके लिए कार्य कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में पीस पार्टी के प्रत्याशी और प्रभारी इटावा विधानसभा क्षेत्र से बनाए गए हैं। लगातार इनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, युवाओं में नई सोच, नई उम्मीद भरने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इटावा विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए हैं, पीस पार्टी से प्रत्याशी हैं और जनता के बीच जा रहे हैं अपनी नई सोच को लेकर और जनता के बीच जाके उनकी परेशानियों को भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अमित मिश्रा। और हमारे साथ खास बातचीत के लिए, प्राइम चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं प्रत्याशी अमित मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जिस तरह से चुनावी माहौल है, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, आप युवा हैं, युवाओं के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, तो आपको कौन कौन से मुद्दे लगते हैं जिन पे काम करना चाहिए? अगर मुद्दों की बात करूं तो आज हमारा युवा वर्ग जो है, इटावा तहसील की अगर मैं बात करूं तो उसके पास रोजगार की सबसे बड़ी कमी है जी। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके पास स्कूल कॉलेज की व्यवस्था ना होने के कारण भी वो एक अंधकार का जीवन जी रहा। दूसरे अगर मुद्दों पे हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी युवा को कोई गाइडेंस देने वाला नहीं कि उसको पढ़ाई के बाद आगे क्या करना, ना ही उसकी कोई काउंसलिंग की व्यवस्था है, ना ही कोई जॉब फेयर यहाँ कभी लगा है आज तक, ना जॉब फेयर के बारे में किसी को पता है। तो अपने युवा साथियों को चाहते हैं कि जब हम आए इटावा में और हम लोग की सरकार बनेगी तो हम लोग का विशेष योगदान जो रहेगा वो युवाओं को लेके, उनकी शिक्षा को, उनके रोजगार को लेके यहाँ पे व्यवस्था करेंगे जी। हम ये जानना चाहेंगे कि इटावा विधानसभा के इस वक्त हालात कैसे हैं, जैसा कि हमारे पास जानकारी है कि पिछड़ेपन की वजह से आपने अपना भविष्य किसी बड़े शहर में जाकर बनाने के नहीं, बल्कि इटावा को सुधारने की, उसको बदलने की, उसके विकास पे ध्यान देने के लिए राजनीति में आए हैं, तो इस वक्त आपकी विधानसभा का हाल कैसा है? हाल इतना पिछड़ापन है कि आज इटावा जो है, अगर भारत स्तर पर देखा जाए तो ये लेबर क्लास की नौकरियों के लिए फेमस हो रहा है। हमारे जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, वो रोजगार की तलाश में बंबई, पुणे, दिल्ली सिर्फ लेबर क्लास बन के जा रहे हैं, जो बहुत ही गंभीर विषय है। यही एक कारण है कि पिछड़ापन है यहाँ पर। यहाँ पर किसी भी चीज का कोई भी विकास नहीं है। यहाँ विकास एक लॉलीपॉप जैसा शब्द बन चुका है। सारे युवा जितने हैं वो तलाश
नौकरी के तलाश में इधर उधर पलायन कर रहे हैं, जिससे उनके परिवार की स्थिति भी बहुत खराब है। जी, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो कैसी देखने को मिल रही है इटावा में? यहाँ हमारे शिक्षा मंत्री हैं जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए अपने ही तहसील क्षेत्र के शिक्षा पर। जी। बच्चों का प्राइमरी स्कूल है जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कि बच्चों के पास ना टेबल है ना ब्लैक बोर्ड है। शिक्षक आ रहे हैं पर बच्चों में जो दिखना चाहिए शिक्षा के प्रति आकर्षण, वो यहाँ पर अभाव है, शून्य है। तो शिक्षा की स्थिति से अगर देखा जाए तो यहाँ 40% भी शिक्षा का अंतर स्तर नहीं है, जो बहुत ही पिछड़ेपन को दिखाता है, दर्शाता है। जी, हम 2022 में ऐसे में हर तरफ विकास देखने को मिल रहा है, हर तरफ बदलाव देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बात करें तो कितना बदलाव देखने को मिला इटावा में? अगर बदलाव आप देखेंगे तो आजादी के बाद से यहाँ कोई बदलाव ही नहीं हुआ। अगर बदलाव देखेंगे तो यहाँ बदलाव ना नेता चाह रहा है ना जनता बदलाव चाह रहा है। जनता बदलाव इसलिए नहीं चाह रही कि नेता ने आज तक उस चीज पे फोकस नहीं किया है कि इसको बदलाव हम दें। रोड आज भी वैसी गड्ढे युक्त है, स्कूल की व्यवस्था आज भी खराब है, रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ कोई बदलाव आज तक ऐसा नजर नहीं आया जिसके बारे में हम लोग चर्चा करें कि हाँ इससे मानव जीवन को कुछ फायदा हुआ। जी अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पीस पार्टी ने एक युवा चेहरे को प्रत्याशी बनाया, आपको प्रत्याशी बनाया है। हर बार ऐसा होता है कि अनुभव वाले व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि वो काम करेंगे, लेकिन आपको टिकट दिया गया है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बड़ा अच्छा है कि मेरे पास शिक्षा है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर आयुब साहब, वो भी बहुत बड़े सर्जन हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं। उनका भी एक मिशन है कि समाज के हर तबके के पास एक अच्छी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और रोजगार हो। तो जब उन्होंने उनसे मेरी मुलाकात हुई तो जब हम शिक्षित वर्ग से दिखे उनको और हमारी सोच जो उनको दिखी कि हाँ इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, युवा को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, तो हमारी बातें और उनकी बातें बहुत सहमत तर्क पर थी, इसीलिए उन्होंने हमको प्रत्याशी बनाया। जी, अब पीस पार्टी के मुद्दे क्या हैं? किन धाराओं को, विचारधाराओं को लेकर आगे चल रही है? पीस पार्टी के बड़े साधारण से मुद्दे हैं कि जनमानस का भला हो, विकास हो, सोशल पिछड़े जो दलित लोग हैं उनको सम्मान का अधिकार, जीवन मिले, यहाँ पर रोड अच्छे हो ताकि साधन की व्यवस्था अच्छी हो सके, स्कूल की व्यवस्था अच्छी हो ताकि युवा जो है वो पढ़ाई कर सके और आगे अपना जीवन अच्छा कर सके। दूसरा, हम लोग किसी भी जात पात पे भरोसा नहीं करते हैं, ये सर्व जात की पार्टी है, यहाँ जात पात के लिए कोई जगह नहीं। जी, तो जैसे कि राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जाति धर्म देखने को मिलता है और कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो देखने को मिलते हैं, लेकिन पीस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चलती है? क्या सिर्फ विकास ही उनका मुद्दा है, युवाओं को आगे बढ़ाना है? देखिए, हम लोग अगर आपको हम बताएं तो जो जात है, जो धर्म की हम बात करते, तो धर्म और राजनीति का कोई भी लेना देना नहीं है। धर्म जो है वो हमारा निजी मामला होता है कि हम किस ईश्वर को मानते हैं, किस अल्लाह को मानते हैं, और धर्म जो है हमें झूठ बोलना नहीं सिखाता। पर अगर आप राजनीति में देख रहे होंगे जितने भी राजनेता हैं, इन्होंने झूठ के इतने जुमले तैयार कर दिए हैं और उसको धर्म से जोड़ते हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि धर्म को राजनीति से जोड़ रहे हैं। राजनीति तो एक सेवा भाव है, एक मानव विकास की संरचना के लिए बना हुआ है। पर हमारे जितने नेता है वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और वो धर्म नहीं, वो पाखंड फैला रहे हैं। इससे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की बेइज्जती करते हैं और वो सिर्फ अपना भला करने के लिए धर्म को जोड़ देते हैं राजनीति से और जनता को उकसा देते हैं 5 साल बाद और फिर जनता का शोषण करते हैं। तो हम लोग का मेन एजेंडा जो है वो युवाओं का साथ रहेगा, युवाओं को बेहतर विकल्प मिलेगा, ताकि युवा अगर अच्छा आज हुआ तो ही अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाएगा और वो अपने अच्छे नेताओं से सवाल पूछ पाएगा, क्योंकि उसे जानकारी ही नहीं, नेता से सवाल क्या पूछना है। यही सब कारण है कि हमारे ये लोग युवाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ उसको रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे। जी, तो अगर आप आते तो आप रोजगार का कैसे प्रबंध करेंगे? जी, रोजगार के लिए जो हमारे अपने विचार है कि यहाँ के युवाएं जितने भी हैं जो 10वीं या 12वीं पढ़ते हैं उनको काउंसलिंग के तहत उनको बताया जाए। अगर कोई बच्चा कॉमर्स में जाना चाहता तो उसको कॉमर्स की लाइन का गाइडेंस मिलेगा, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसको इंजीनियरिंग के विषय में गाइडेंस मिलेगा, मेडिकल फील्ड के विषय में गाइडेंस दिया जाएगा। उसके बाद जो भी टॉपर बच्चे रहेंगे उनको सरकारी संस्थाओं में कोचिंग दिलवा के उनको वहां प्रवेश दिलाया जाएगा और उनको यहीं पर रोजगार के अवसर प्राप्त कराए जाएंगे। अमित जी, काफी बड़े बड़े चेहरे हैं और काफी बड़े बड़े प्रत्याशी भी हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, तो पीस पार्टी की तरफ से आपको उतारा गया है, आप अपनी विधानसभा में लोगों के बीच कैसे विश्वास बनाएंगे कि आप बदलाव ला सकते हैं? आपने ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जिसकी वजह से आप जीत हासिल कर सकते हैं और क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं?
कि अभी जैसे मैं क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ, राजनीति में बिल्कुल नया हूँ, और मैं जनता से जब मिलता हूँ, उनको अपनी बातें समझाता हूँ, तो बड़े खुश होते हैं और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आगे आने वाले समय हमारे द्वारा और भी कार्य किए जाएंगे जो जनता की भलाई में लाभान्वित होंगे। और हम लोग दूसरी एक विचारधारा कि हम लोग न्याय के लिए काम करेंगे, हम लोग किसी भी जाति धर्म से नहीं काम करते, हम लोग न्याय से काम करेंगे। अगर न्याय से हर विभाग अपना कार्य करने लग जाएगा तो जो समाज का आखिरी छोर पर बैठा व्यक्ति है उसको भी फायदा मिलेगा और पूरे न्याय के साथ उसको फायदा दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में बदलाव आए। जी, जनता की एक सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त वोट तो मांगने आते हैं लेकिन जब उनको जिता दिया जाता है तो वो जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। तो आप उनके मन से ये शंका कैसे दूर करेंगे कि आप गायब नहीं होंगे जीतने के बाद? अगर वो आप पे विश्वास करते हैं, आपको जिताते हैं चुनाव में, तो आप उनके लिए काम करेंगे, ये विश्वास कैसे लाएंगे उनके मन में? जी देखिए, बड़ा साधारण सा है, मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, और मैं यहाँ जो मुश्किलें समझता हूँ तो जो मेरे युवा साथी उनका दर्द और मेरा दर्द बराबर है। तो हम किसान लोग तो किसी जंग से भागते नहीं है, जो भी मेरी दिक्कतें वही इस क्षेत्र की दिक्कत है, तो मैं क्षेत्र छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बाकी जो नेता झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, वही सिर्फ वो 5 साल नहीं नजर आते हैं, जो सही सपने दिखाएगा, छोटी छोटी चीजें हैं, रोजगार है, पढ़ाई है, ये अगर ये मुद्दे पूरे कर जाए तो हमें भागने की जरूरत क्षेत्र से नहीं पड़ेगी। जी, आपके मुख्य मुद्दे कौन कौन से और आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जी, आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि युवा जो है और जो बुजुर्ग है और जो ननिहाल बच्चे हैं जिनको स्वास्थ्य की दिक्कत है, हमारा मेन उद्देश्य है शिक्षा क्रांति लाना इटवा में, स्वास्थ्य जो कि अस्पतालों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, उनकी व्यवस्था कराना और रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे कराना, यही हमारे 3 मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो हम जनता को देना चाहें। और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे, महिलाओं को पढ़ाने और आगे बढ़ाने के बारे में क्या कहेंगे? जी, जब शिक्षा की बात होती है तो हम किसी लिंग भेद की बात नहीं करते हैं, उसमें महिला भी है और पुरुष भी है, हम लिंग भेद की बात नहीं करते, हमारे लिए शिक्षा समान मानव जाति के लिए है जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही समान हमारे विचारधारा में आते हैं। जी अमित जी, लेकिन इस बार महिलाओं का एक अलग ही मुद्दा बना हुआ है, महिला सुरक्षा को लेके, महिलाओं को लेके कुछ पार्टियां हैं जो आगे इसको मुद्दा बना के लेके चल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? जी, महिला जो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो एक पुरुष प्रधान इसको बना दिया गया है, इस भारत को, ऐसी कोई चीज नहीं है। महिलाओं में हम लोग शिक्षा ले जाएंगे, जब शिक्षा महिला को जब शिक्षा अच्छी मिल जाएगी तो अपने फैसले लेने में स्वयं सक्षम हो जाएगी। महिला की अगर रोजगार में उसकी जो मतलब अगर उसमें उसका ज्यादा सम्मिलित हम करेंगे महिलाओं को, तो अपने आप ही अच्छे दिशा में अपने फैसले ले सकती, जिससे महिला की सुरक्षा हो सकती है। जी अमित जी, जिस तरह से आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, 2012 में ही इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, बाहर नहीं गए पढ़ने और अपना क्षेत्र का विकास करने के लिए आप यहीं पर रुके हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इतने वक्त तक आपने कौन कौन से काम किए हैं अपने क्षेत्र के लिए। जी, अपने क्षेत्र में जैसे मैं यहाँ किसानों की समस्या है उसको दिन प्रतिदिन उठाता रहता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी पावर नहीं कि हम सरकार से लड़ सकें, तो जब हम दिन भर उनकी समस्या उठाते थे, उनके जागरूक करते रहते थे कि जब तक जनता हमारी जागरूक नहीं होगी वो सवाल नहीं करेगी। हमारी जनता बहुत डरती है, पुलिस से डरती है, शासन से डरती है, प्रशासन से, क्योंकि उसके पास शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव है तो वो अपने जो उसकी जानकारियां होनी चाहिए कि सरकार से हम कैसे कार्य को लें। तो यही जो हमारा जागरूकता कार्यक्रम है, ये भी एक हमारा मिशन है कि हम जनता को जागरूक करें ताकि वो अपनी सेवाएं खुद से ले सके सरकार से। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार भी चरम पर होगा, क्या कहेंगे इस पे, किस तरह से लगाम लगाएंगे भ्रष्टाचार? देखिए, तभी खत्म कर सकते हैं जब जनता के पास हमारी शिक्षा रहेगी, जागरूक रहेगी। जानकारी का अभाव होने के नाते ही हमारी जनता जो एजेंट के द्वारा काम करती, जो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन हमारे भारत से एजेंट, जिसे हिंदी में दलाल शब्द भी कहते हैं, ये जब गायब हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप ही गायब हो जाएगा। जी, क्या बिजली और पानी की समस्या भी देखने को मिलती है? क्या गंदे पानी की समस्या भी देखने को मिलती है ठावा में? जी, गंदे पानी की समस्या ऐसी है कि आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर 25-30-35 फीट पर पानी लोग पीने पे मजबूर हैं। सरकारी जो नलकूप की व्यवस्था है वो हर घर पर नहीं मौजूद है, और जो भी मलिन बस्तियां हैं या दलित बस्तियां, वहां पर बिल्कुल भी जल की अच्छी सुविधा नहीं है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में बहुत कमी आ रही है। जी,
कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं कि नगर निगम की लापरवाही देखने को मिलती है, गंदा पानी जगह जगह भरा रहता है, गंदगी देखने को मिलती है, साफ सफाई नहीं होती है, क्या कहेंगे इस पे? जी ऐसा है कि यहाँ का जो नगर निगम है, अभी जल्द ही ये नगर पालिका हुआ, नगर पंचायत में सम्मिलित हुआ है इटवा विधानसभा, तो अभी इस तरीके से कुछ कार्य हुए नहीं है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर नेताओं को इंजीनियरिंग के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं है कि नाली कैसे बनाना चाहिए, रोड कैसे बनाना चाहिए, इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं पता। ये तो सिर्फ ठेकेदारी और अपने जेब भरने के लिए कार्य करा देते हैं, पर वो जो आगे जनता को नुकसान देता उसी के कारण से जल भराव यहाँ होता है। नदी नाले और ये जो नहर है वो भी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कि किसानों को पानी मिल सके, ये सब क्योंकि इनको जानकारी नहीं। यहाँ के नेता भी इस तरीके से कि उनको कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ लोग लुभावन बातें करते हैं और जिसकी वजह से ही जनता को इसे परेशानियां देखनी पड़ रही। जी अमित जी, पीस पार्टी कैसे पढ़े लिखे लोगों को ही आगे बढ़ा रही है या फिर कुछ अनुभवशाली लोग भी इसमें शामिल है? जी अनुभवशाली लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राजनीति में लगाया है, जो सिर्फ न्याय की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आयुब साहब जो हमारे विधायक भी खलीलाबाद से रह चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पीस पार्टी से, उन्होंने अपने टर्म में अगर देखा जाए तो वहां के सभी लोगों को ट्रांसफार्मर दिया है, निःशुल्क दिया है, भ्रष्टाचार को वहां पे खत्म कर दिया था, पर दोबारा भाजपा और सपा की जब से सरकार आई आज खलीलाबाद फिर से उसी हाल में चला गया है। उन्हीं की सोच के कारण हम जुड़े हुए हैं और हम वही चीज इटवा में लाना चाहते हैं कि जनमानस का भला हो सके, न्याय के साथ उनको न्याय दिया जा सके और किसानों को, ये जो आप देख रहे होंगे पशु आजकल किसानों की फसल नुकसान कर रहे हैं, हमारा सबसे अच्छा है कि अगर गौशाला बना हुआ है पशु गौशाला में क्यों नहीं है, इसका मतलब आपको सामने दिखेगा कि भ्रष्टाचार बहुत तेजी से फैला हुआ है। अमित जी लेकिन गौशालाओं के लिए बिजली की समस्या है, काम किया जा रहा है यूपी में, तो खासतौर से गौशालाओं को प्रमुखता पर रखा गया है। आपको हम ऐसे बताना चाहेंगे, कागज अलग चीज होता है और जो अपना जमीनी स्तर पर कार्य होता है अलग चीज होता है। आपको मैं किसान के दो मुद्दे बताता हूँ, गौशाला बने हुए कागजों में गौशाला में 100 गाय रहती है और आप हकीकत में देखेंगे तो गौशाला में एक भी गाय नहीं मिलती है। इसी प्रकार अगर उनकी धान खरीद का आपने देखा होगा, भाजपा सरकार ने उसको बहुत ठिठोरा है कि हमने धान की खरीद इस स्तर पर करी है, पर जब आप देखते होंगे तो मैं अपने क्षेत्र की बताता हूँ, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, 1350 रुपए क्विंटल के हिसाब से मैंने धान बेचा है, सरकार 1960 का भाव देती है, सिर्फ एक जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग पता नहीं किनके कागज लगा के वो FCI में बेच लेती है, तो किसान वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो हमारी जो है ये किसान हितैषी बनती है सपा भाजपा, ये किसान हितैषी नहीं है, किसानों को बर्बाद करने के लिए सरकार बना रही है। जी अमित जी, जैसा आपने बताया कि बड़े बड़े शहरों में इटावा के युवा जाते हैं लेकिन मजदूरी करने जाते हैं, यानी कि पलायन काफी देखने को मिल रहा है, तो क्या इटावा पलायन यहाँ 60% है, तो क्या बड़े उद्योग लगाना और काम के लिए व्यवस्था करना इटावा में काफी जरूरी नहीं है, इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं अगर आप जीत कर आते हैं तो? जी देखिए, इटावा से जो सबसे ज्यादा पलायन हुआ है वो लेबर क्लास का हुआ, तो लेबर क्लास जो हमारी बॉम्बे दिल्ली में जाती है या पुणे में जाती है तो टेक्निकल काम करती है, कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, कोई फैब्रिकेटर का काम कर रहा है, कोई सिविल का काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा है। अगर उसको छोटे छोटे कारखाने हम सरकार द्वारा उसको बैंक से लोन दिला सके, उसको मदद करा सके, फाइनेंस करा सके, तो वो सारे रोजगार वहाँ इटवा में अपने घर परिवार में बैठ के भी अपने गांव में कर सकता है। इसके लिए 24 घंटे बिजली की व्यवस्था बहुत अनिवार्य है, अगर बिजली की व्यवस्था कर दे तो यहाँ कल कारखाने खोलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ के लोग बहुत टेक्निकली अच्छे हैं पर यही मजबूरी है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, जिस वजह से उनको इटवा छोड़ के बंबई पुणे दिल्ली का रुख करना पड़ता है। जी चुनावी वक्त है, ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है, आपकी क्या कुछ तैयारियां चल रही है पीस पार्टी की तरफ से? जी अभी तक हम कम से कम 60 से 70 गांव में डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं और लोगों का बहुत ही अच्छा अनुभव रह रहा है, एंड युवा जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको हमारी बातें अच्छी लग रही, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हमसे अपने आप को डायरेक्टली जोड़ रहे हैं और हम हमारे पक्ष में वोट देने की अपील, यानी विकास के मुद्दे को और आगे बढ़ने को चाह रही है, बदलाव चाह रही है इटावा की जनता। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इटावा की जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ आज प्राइम चर्चा में जुड़े थे पीस पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर अमित मिश्रा, जो आगामी इटावा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और इनके मुद्दे ज्यादातर युवाओं को लेकर है, शिक्षा को लेकर है और विकास को लेकर है, चाहते हैं कि इनके इटावा विधानसभा में जो भी युवा है वो विकास की ओर बढ़े, शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षित हों और इनकी विधानसभा का विकास हो। फिलहाल प्राइम चर्चा में इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।